दर्शक मित्रों, आज के सेशन हम लोग आरंभ करने से पहले प्रत्येक दिन के भांति आज भी हम लोग एक छोटा सा प्रेयर करेंगे। आज गुरुवार का दिन है और आज हम लोग थोड़ा ऑरोपैथी के ऊपर भी चर्चा करना है। आज औरा चिकित्सा के ऊपर बहुत ही कंपलसरी है, नीड भी है प्रत्येक व्यक्तियों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत वहीं से होती है समस्याओं का। तो चलिए हम लोग अविलंब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेयर आज का। सभी लोग यथाशक्ति जहां पर भी बैठे हैं अपने कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाएं। ध्यानात्मक आसन, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन इत्यादि, अपने कमर गर्दन को सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल भी सीधी, आपके दोनों हाथ आपके घुटनों पर, मुद्रा ज्ञान ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लें। एकदम शांत हो जाना है पूर्ण तरीके से। अपना पूरा ध्यान आपके नासिका द्वार पर, अपने सांसों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, केवल सांसों को देखना है। नासिका द्वार से जो आप सांसें ले रहे हैं, सांस अंदर जा रहा है, कहां तक जा रहा है, सांस जाने से हमारे बॉडी में क्या गतिविधि हो रही है, क्या चेंजेस हो रहा है, उसको महसूस करना है। हर अंदर आती सांस आपको परमात्मा का दिव्य उपहार मिल रहा है, पवित्र ऊर्जा आपके बॉडी में संचार हो रहा है, और हर जाती सांस आपके अंदर के सभी नकारात्मकता को बाहर कर रही है। हर अंदर जाती सांस आपको विश्राम प्रदान कर रही है। अब तक जो किया, जो सुना, जो कहा, इन सभी चीजों को कुछ देर के लिए छोड़ दें और अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं, अपने साथ, केवल और केवल अपने साथ, बिना कोई तर्क, बिना कोई संगत, बिना कोई विचार, केवल अपने साथ, स्वयं के साथ एकीकरण करना है। अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करनी है। पूरा ध्यान आपके सांसों पर। अब तीन बार लंबी गहरी सांस लेकर के प्रणव ओमकार का उच्चारण करेंगे। हमारे साथ लंबी गहरी सांस लेंगे, स्मरण रहे, आकार के उच्चारण में आपका नेवल रीजन पर आपका ध्यान रहेगा, उकार के उच्चारण में आपके थ्रोट चक्र के एरिया में आपका ध्यान रहेगा, और मकार के उच्चारण में आपका भ्रीकुटी। टेक अ डीप ब्रीथ इन, एक बार पुनः, एक बार पुनः
विश्राम। प्रणव ओमकार के उच्चारण से हो रहे आपके बॉडी में हलचल कंपन, उसको केवल देखें और अपने आसपास के वातावरण में हो रहे वाइब्रेशंस को फील करने का प्रयास करेंगे। अब अपने दोनों हाथों को जोड़ करके अपने वक्ष स्थल के सामने रखें। अब प्रेयर करेंगे। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ भूः भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रेयर से हुए उत्पन्न ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास करें। अब अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपने चेहरे पर फेरेंगे। एक बार पुनः आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्रिएट योर ऑन डेस्टिनी, फाइंड योर यूनिकनेस के सत्र में तीसरे दिन आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। नमस्कार सोनू भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, प्रणाम सभी को। तो आज हम लोग तृतीय दिवस आए हुए हैं और आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है योग। योग अर्थात जोड़, ऐड करना, जोड़ना। जोड़ना क्या? सर्वप्रथम योग की जो व्युत्पत्ति हुई वो संस्कृत के युज भाषा से हुई है और युज का अर्थ होता है जोड़ना। महान व्याकरण के लेखक पाणिनि जी का कहना था, युजिर योगे युजिर समाधो एंड युजिर संयमने। अर्थात योग जोड़ना, योग समाधि तक पहुंचाता है और योग जो है वो अपने जीवन काल में असामंजस्य को स्थापित करता है। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है योग का? युग का शाब्दिक अर्थ क्या? तो एकीकरण से लिया गया है, एकीकरण वर्ष। एकीकरण मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन का आधार है एकीकरण। कहा जाता है कि जब हम, यानी कि हम जब स्थित होते हैं स्वयं में, अपने साथ होते हैं, लेकिन फिर भी हम आत्मा से कोसों दूर होते हैं। नॉर्मल सामान्य जीवन में हम अपने आत्मा को अवॉइड करते हैं, उसे नहीं पहचान पाते। संभवतः योग जो परिभाषा दिया गया है और योग विद्या जो संस्कृति दर संस्कृति, पीढ़ी दर पीढ़ी, युगों से चला आ रहा है, ये यही एक आधार था कि मानव जीवन में अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ पाए, इसलिए योग विद्या का प्रारंभ हुआ। और ये योग विद्या का उद्गम कहाँ है? तो इनके आदि गुरु महादेव शिव को माना जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम सप्त ऋषियों को यह ज्ञान दिया था, उसके बाद वहां से विस्तार चला आ रहा है। अब देखिए, योग के बारे में गीता में भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है?
योगस्थ कुरु कर्माणि संगम स्वकत्या धनंजय सिद्ध सिद्धियो समभूत्वा समत्वम योग उच्चते। और दूसरे ओर क्या लिखा गया है, बुद्धि युक्त जताति उभे सुकृत दुष्कृति तस्माद् योगाय योगस्य कर्मसु कौशलम्। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है, पहला श्लोक जो है योगस्थ कुरु कर्माणि स्वकत्या धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। अर्थार्थ क्या, इसका हम नॉर्मल शब्दों में आपको अर्थ बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो, सम स्थिति हो विषम स्थिति हो, शीत हो या गर्मी हो, शत्रु हो या मित्र हो, हर दो एंगल, यानी कि सकारात्मकता है तो नकारात्मकता भी है, अगर खुशी है तो गम भी है, प्रेम है तो घृणा भी है। ये जो तराजू के दो पलड़े हैं यही है हमारे जीवन का आधार, तो हमारे जीवन में इन दोनों पड़ावों का सामना हमें करना होगा। और जो व्यक्ति इन दोनों परिवेश में दोनों स्थिति में स्वयं को समभाव रख लेता है वही योगी कहलाता है। और उसके बाद जाने माने योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने जब शब्द का उद्भव किया उनसे पहले एक शब्द आता है, क्या आता है कि जो युद्ध समाधो है अर्थात जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, अर्थात चेतन का चैतन्य से जोड़ने का जो परिभाषा है वहां पर होता है क्या, अनुशासन, वहां पर आता है अनुशासन। और चैतन्य का जो चेतना का जो चैतन्य से जो जोड़ने की कला है वहां पर सबसे पहला आता है कि आपका एकाग्रचित्ता, एकाग्रचित होना, आपका पूरा फोकस होना, आपका कंसेंट्रेशन पावर का इंप्रूव होना। वहीं पर महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगा अनुशासनम, तात्पर्य क्या कि योग एक अनुशासन है। उसके बाद उन्होंने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, सबसे मूल टॉपिक जो हम लोगों का आज का विषय वस्तु है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब कोई साधक अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध कर लेता है तब वो योगी के पद पर आसीन होने के काबिल होता है। कहा जाता है कि जब कोई भी अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध कर ले उस समय योग का प्रादुर्भाव होता है, योग वहां से उत्पन्न होता है। अब ये चित्त क्या है, अब ये चित्त की वृत्तियां क्या है, दूसरे अश्लोक के बाद दूसरे सूत्र के बाद महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र और कहा, सदा दृष्ट स्वरूपेण अवस्थानम, अर्थार्थ क्या, सदा मतलब स्वयं आप हम, सदा दृष्ट स्वरूपेण अवस्थानम, कि जब कोई भी साधक योग के पद पर जब चलता रहता है तो उस समय वह उसे लगता है क्या कि हम अपने स्वयं रूप में हैं, हम खुद के साथ हैं। सदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम, हम अपने रियल अवस्थिति का हमें बोध होता है। लेकिन उसके बाद क्यों, उसके बाद बाधा कौन बनता है, तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, तो हमारी वृत्तियां जो मन की वृत्तियां हैं, जो बुद्धि की वृत्तियां हैं, जो अहंकार की वृत्तियां हैं, ये हमें डगमगाते रहता है। तो चित्त अर्थार्थ मन बुद्धि अहंकार। दर्शक मित्रों, आज का हमारा जो योग हमने इसलिए रखा क्योंकि हमारा नेक्स्ट पड़ाव में जब हम रेखी सत्र में आएंगे, जब हम शक्ति साधनों की ओर अग्रसर होंगे, तो वहां पर यही छोटी छोटी बातें, कल का विशेष फोकस था तो पवित्रता, अपने विचारों की शुद्धिकरण, आज है
हमारा मन के शुद्धिकरण, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो आपके जीवन के आगे आने वाले क्षेत्रों में जब आप अपना कार्य करते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप साधना पद पर रहते हैं, तो वहां पर आपको सहयोग करेगा। तो बुद्धि और मन और अहंकार, यही है स्थित। और इसकी वृत्तियां कितनी है? इसकी वृत्तियां अनंत वृत्तियां हैं। हालांकि महर्षि पतंजलि ने इनको अच्छे से आगे डिस्क्राइब किया है, लेकिन पूरा योग सूत्र तो पढ़ाने का समय अभी नहीं है और नहीं उतना हो पाएगा, क्योंकि 195 सूत्र हैं। तो चित्त की वृत्तियां, तो चित्त मन बुद्धि अहंकार। अब जरा सोचने वाली बात है, बुद्धि और मन, मन क्या है? तो मन एक नेटवर्क है। मन हमारे जीवन, मन जो है वो एक नेटवर्क है, यानी कि कुछ भी होता है, आपका ज्ञान और आपका विज्ञान, आपका सोच जब स्टार्ट होता है तो वहां पर क्या आ जाता है? आपका मन। अगर आप कार्य कर रहे हैं, यदि आप सोच रहे हैं, तो वहां पर आपका मन चला जाएगा। अगर आप समाधि में हैं, तो फिर आपके मन का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अगर आप धारणा में हैं, तो मन रहेगा आपका, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में रहेगा। तो महर्षि पतंजलि ने एक सामान्य मनुष्य को अपने जीवन में अग्रसर होने के लिए उन्होंने अष्टांग योग की परिभाषा दी। योग के 8 अंग, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान, समाधि। तो इन आगे के जो 5 अंग हैं, इन 5 अंगों पर चर्चा नहीं करेंगे, हम आएंगे धारणा ध्यान के ऊपर। एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं। जब माता पार्वती का जन्म मानव गर्भ से हुआ आदि शक्ति का, और उन्हें अपने रियल स्थिति में आनी थी, उन्हें 10 महाविद्याओं को धारण करना था, उन्हें शक्तिशालिनी बननी थी, उन्हें स्वयं को जागृत करनी थी, तो उस समय उनके गुरु बने थे स्वयं महादेव। तो उनकी जो यात्रा आरंभ हो रही थी, उन यात्रा में महादेव कहते हैं पार्वती जी से कि जाओ स्नान करके आओ। गई, स्नान किया और आ गए, कहते हैं स्वामी स्नान करके आ गई। तो बोलते हैं क्या अनुभव किया, क्या देखा तुमने, क्या महसूस किया? तो बोलते हैं कुछ भी नहीं। बोलते हैं पुनः जाओ। पुनः आती है, कहती है कुछ नहीं। बोलते पुनः जाओ। जब तक माता पार्वती को स्नान करने के भाव को समझ में नहीं आया, तब तक महादेव उन्हें स्नान करने के लिए भेजते रह गए, और तब तक उनकी आगे की विद्या का, दीक्षा का ग्रहण, आगे की विद्या उनका आरंभ नहीं हुआ था। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी कर्म हो रहा है, जो भी कृत्य कर रहे हैं आप, छोटे छोटे कर्म, उसके भी कई सारे डायमेंशंस होते हैं। उस डायमेंशंस में उसको गहराई से जब तक हम नहीं समझ लेंगे, जब तक उसके नींव तक हम नहीं पहुंचेंगे, उससे प्रेरणा नहीं लेंगे, उससे सीखेंगे नहीं, तब तक वो कर्म करना हमारा बेकार है। अब नॉर्मल भाषा में हम लोग सोचते हैं कि कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। जी हाँ, गीता में भी कहा गया है, कर्मण्य अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, मा फल कर्म हेतु भूर्मा। कर्म करेंगे फल मिलेगा अवश्य, लेकिन कर्म जो हम कर रहे हैं, कर्म करने के दौरान हमें क्या मिल रहा है, हम क्या सीख रहे हैं? देखिए, कर्म कर्त कहलाता है, कर्म कर्त कहलाता है, और कर्म करने वाला उत्कर्ष या अपकर्ष में परिभाषित होता है। कर्त अर्थात कर्म, काम। अब जो काम आप कर रहे हैं, वो
और सकारात्मक दृष्टिकोण में आप कर रहे हैं अथवा नकारात्मक दृष्टिकोण में कर रहे हैं, आपको सही उसका उचित फल मिलेगा या आपको अनुचित फल मिलेगा वो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं। तो कर्म ही कर्ष है और उत्कर्ष अर्थात आपके अच्छे कर्म, अपकर्ष आपके नकारात्मक कर्म। तो योग भी यही है कि जब भी जो भी कार्य आप करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को गहराई से आपको सोचना होगा। नॉर्मल दृष्टिकोण में यम नियम आसन प्राणायाम ये जो आठ योग के अंग के परिभाषा बताए गए हैं, इसका भी मूल यही सिखाना है कि लोगों को ये आठों अंग में बार बार भेद करके, बार बार ये आठों अंग का अभ्यास कर करके वो आदि हो जाएगा, वो बारीकी से छोटे चीजों को वो अनुभव कर सकता है। हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि आपको पता है कि आप स्नान करते समय आप दिव्यतम उपहार प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपके किचन में जो हल्दी का पाउडर है, टर्मरिक पाउडर, ये पाउडर आपके जीवन को परिवर्तित करने में सक्षम है। आपके रसोई घर में इस्तेमाल हो रहे लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सभी चीजें आपकी जिंदगी को बदलने में सहायक साबित हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसके मर्म को समझना होगा, इसके तत्व को समझना होगा। तो योग में जो धारणा ध्यान समाधि है, धारणा मीन्स क्या, कंसंट्रेशन। अगर हम किसी एक चीज को देख रहे हैं, ये कोई एक टॉपिक को हमने लिया, ये कोई हम एक कर्म कर रहे हैं, या कोई एक ऑब्जेक्ट को हमने चुना, तो हमारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान उसी सेंटर पे होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम ध्यान करेंगे तो हमने जो अपने भ्रिकोटी पर जो कुमकुम लगाया हुआ है, हमारा पूरा ध्यान अपने कुमकुम पर रहेगा, हमारी आंखें बंद रहेंगी, लेकिन हम अपने मस्तक पर लगे कुमकुम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और कुमकुम को देखते समय हम अपनी सारे ज्ञान को छोड़ देंगे, सारे लॉजिकल चीज को छोड़ देंगे। अगर मन में आ रहा विचार भी है तो उसे भी हम इग्नोर करेंगे, उसे रोकेंगे नहीं। मन में आ रहे विचार को रोकना नहीं है, उसे आने देना, उसे बहते देना है। आपके मन के विचार प्रेम के भांति है जो बहता ही चला जाएगा। जब जब आप रोकने का प्रयास करोगे तब तब उतना ही विचित्रता के साथ आपके पास आएगा। तो बह जाने दीजिए उसे। जब आप किसी एक सेंटर को अगर आप पॉइंट किए हैं तो उसको देखते समय आपका ना ज्ञान आना चाहिए, ना ही आपका कोई विज्ञान आना चाहिए, ना ही आपका कोई लॉजिक आना चाहिए, केवल और केवल देखना है। जब किसी एक वस्तु को, किसी एक चीज को, किसी एक तत्व को जब हम सारे दृष्टिकोण से छोड़ करके जब पूरा कंसंट्रेशन करते हैं, जब पूरा ध्यान देते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं धारणा। और यही धारणा हमें ध्यान लगाने में मदद करती है, यही धारणा ध्यान लगाने में मदद करेगी। अब ध्यान के भी कई सारे आयाम हैं। ध्यान, कुछ लोग कहते हैं कि हम ध्यान करते थे, ध्यान करते करते हम गहराई की अनुभूति में पहुंच चुके थे, लेकिन पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ, अब हम एक मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं। हमारा उन लोगों से प्रश्न है कि जब आप ध्यान में गहनतम स्थिति में जब पहुंच जाते थे तो अब ऐसा क्या हो गया जो आप 5 मिनट भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। हुआ कारण है ना कि ध्यान करने से पहले हम धारणा को ध्यान नहीं देते, धारणा पर फोकस नहीं करते, केवल बैठ गए आसन लगाकर आंख बंद करके और अपने मन के विचारों को रोकने पर जुट गए।
हम अपने मन के विचारों को रोकने में जो जुट जाते हैं, लग जाते हैं, क्या वो ध्यान है? जब जब आप अपने मन के विचारों को रोकने का प्रयास करेंगे, जब जब आप हट करेंगे अपने मन के विचारों को रोकने का, तब तक उतना ही तेजी से, उतना ही व्यग्रता से, उतना ही विकराल रूप से वो विचार आपको और आप पर हावी होते चले जाएंगे। तो मूल हमारा जो आप लोगों को संदेश पहुंचाना था वो यही था कि जब भी जो भी कर्म करें तो उस कर्म को करने से पहले आपको सुकरात बन जाना है, मीन्स आपको सुन्नी हो जाना है। तो आप अगर कर्म करने के लिए तैयार हुए हैं तो आप सोच समझ करके कर्म करने के लिए तैयार हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ध्यान करनी है तो हमने पहले विचार किया ना कि हमें ध्यान करनी है। जब हम ध्यान करेंगे तो वहां पर हमारा नॉलेज किस काम का, उस समय नॉलेज नहीं आनी चाहिए। अब कई सारे सवाल आते हैं, अब पता नहीं ध्यान के कई सारे टेक्निक मान लीजिए हमें याद है, अब ध्यान करने से बैठे अब मन में आएगा कि कौन सा टेक्निक करूं, विपस्सना करूं या जपाजाप करूं या फिर बॉडी अवेयरनेस या ब्रीदिंग अवेयरनेस मेडिटेशन करूं या फिर ओमकार चैंटिंग करूं या फिर मंत्र ध्यान करूं। तो आ गया यहां पर क्या आ गया, आवृत्ति आ गई, ध्यान की आवृत्ति आ गई, हमारे मन का, हमारे अंदर का ज्ञान आ गया। जब हमारे मन का ज्ञान, हमारे अंदर का ज्ञान आ गया तो क्या हम ध्यान कर पाएंगे? ज्यादातर समय तो हमारा इसी में निकल जाएगा कि हम कौन सा कर्म करें, हम कौन सा ध्यान करें। इस तत्व को समझना जरूरी है और ये सब चीज ही सहायक होंगे आपके आगे की यात्रा में, आपके आगे की जर्नी में। जब आप आगे अगर कोई स्पिरिचुअली कुछ मोरालिटी में अगर आप अपनी यात्रा आरंभ करना चाहेंगे, चाहे कोई भी साइकिक पावर की हो या रेकी हो या फिर एंजल ब्लेसिंग हो या फिर लामा फेरा हो, कोई भी अदर हीलिंग मोरालिटी जिससे आप अपने जीवन को हील करना चाहते हैं, जिससे आप अपने परिजनों को हील करना चाहते हैं, जिससे आप अपने करीबियों को हील करना चाहते हैं, जिससे आप घर बैठ करके संसार को, संसार के कल्याण करने के लिए आप हील करना चाहते हैं, आप घर बैठे मदर अर्थ को हील करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोई हीलिंग मोरालिटी की तो यात्रा करनी पड़ेगी। तो क्या केवल सीख लेना, क्या हम हीलर बन जाएंगे? नहीं। सीखा तो हजारों लोगों ने है, लेकिन उस हजार लोगों में से कुछ कम लोग भी मूल साधक बन पाते हैं, क्योंकि यह भी एक साधना है, रेकी भी एक साधना है, रेकी एक ध्यान से कम नहीं है। हम इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, पर्याप्त समय है हम लोगों के पास, 31 तक ये कंटिन्यू हमारा वेबिनार चलता रहेगा, हर दिन एक नए टॉपिक पर हम बात करेंगे, तो हम डिटेल में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। टाइम रनिंग आउट हो चुका है, मात्र 7 मिनट बचा हुआ है। जिस लिंक के थ्रू आप लोग ज्वाइन किए थे, जहां से ज्वाइन किए थे, पुनः सेम लिंक से ज्वाइन कर लेंगे ताकि हम अगले जून में हम आपको ऑरा क्लिंजिंग की टेक्निक के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें बीच में ब्रेक हो जाएगा तो हम कुछ और बातें कर लेते हैं। अब जो ऑरा क्लिंजिंग की बात हम कर रहे हैं, ये ऑरा क्लिंजिंग की जरूरी क्या है? चार बातें हैं। हाँ सोनू भी, आपके साथ कहना चाहते हैं क्या? ध्यान के बारे में बोल रहे हो तो देखो, ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, एक तो वो घटित होता है, और ध्यान के 3 सामान्य नियम हैं। जब हम ध्यान करने बैठते हैं, पहली चीज अकिंचन, दूसरी अचाह और तीसरा अप्रयत्न। अकिंचन मतलब ये सोच के मत बैठो कि हाँ मैं शरीर हूँ, मैं कुछ हूँ, या मैं कुछ भी, अपना जो भी आपका पहचान, जो भी शरीर, सब एक किनारे पे रख दो, जस्ट सिट डाउन। एंड दूसरा अचाह मतलब जो कर रहे हैं हम, इससे कुछ प्रतिफल मिलेगा, उससे हमें कुछ फायदा होगा, उसको भी किनारे कर दो, बैठ जाओ बस। और अप्रयत्न,
मतलब ध्यान में कोई प्रयत्न नहीं होता है, आप कुछ करोगे तब ध्यान होगा, नहीं, वो अपने आप होगा। आपको जस्ट बैठना है आराम से, बस पहले उसकी ये बताया गया है कि हाँ आसन करो, जो यम नियम आसन प्राणायाम, उससे गुजर के जब हम स्थिर हो जाते, उसके बाद फिर धारणा हो गई, फिर आता ध्यान का, ध्यान की बारी आती है। तो ध्यान एक बहुत आगे का ये है, पहले सब जब शरीर शुद्ध हो जाता है, स्थिर हो जाता है, बाद में ध्यान की बारी आती है। तो उसमें जब बैठ, हम इनिशियल तो बहुत सारे इमोशन, आपके बहुत सारे भाव विचार सब होते हैं, बहुत सारी चीजें चलती है, इतना शुरुआत में आरंभ में ऐसा होता है। तो उन चीजों से बोला है कि अकिंचन, मैं कुछ नहीं हूँ, छोड़ दो सब कुछ, आराम से बैठ जाओ, फिर कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरा सब कुछ है वो एक छोड़ दो, हाँ हो जाएगा सब कुछ, मुझे इस समय विश्राम करना, आराम करना है। क्योंकि ध्यान कुछ प्राप्त करने, कुछ करने, वो फिर बाद में जैसे आप ऊपर पर उसमें गहराई में जाए तो आपको समझ में आगे महसूस होगा, बहुत सारे अनुभव होंगे। लेकिन आरंभ में जैसे अभ्यास करते हैं तो इस तरह से तीन चीजें इनको ध्यान में रख के करेंगे आप, तो आपको बहुत इसका फायदा मिलेगा। बाकी तो रुद्र जी बहुत अच्छे से आपको बता रहे हैं। धन्यवाद भैया। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हम लोग नेक्स्ट वेबिनार में, अभी नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग ऑरा क्लीनिंग के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहते हैं क्या, कि संसार में चार प्रकार की पैथी होती है। चार ही प्रकार की पैथी होती है जो ट्रीटमेंट का साधन है। पहला माइक्रोपैथी, मैक्रोपैथी, उसके बाद है हेप्नोथेरेपी, और चौथा है ऑरोपैथी। मैक्रोपैथी और माइक्रोपैथी में ऑल मेडिकल टर्म में मेडिकल साइंस आ जाता है। आयुष के पांचों कोर्सेस आ जाते हैं, आयुष के पांचों कोर्सेस आ जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ अल्टरनेटिव थेरेपीज आ जाती हैं माइक्रोपैथी में। और हेप्नोथेरेपी है वो माइंड को आपको ट्रांस में ले जा करके, आपके चेतनों को सुला करके, आपके सबकॉन्शियस को खोल करके, उसको संदेश के माध्यम से उसे प्रोग्रामिंग की जाती है। और देन जो ऑरोपैथी है, ये ऑरोपैथी क्या है, तो ये आपके ऑरा का ट्रीटमेंट है। कल के वेबिनार में हमने चर्चा किया था कि ऑरा और विचार कैसे व्यक्तियों को प्रभावित करता है। कल हमने क्या चर्चा किया था कि सपोज हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं, किसी व्यक्ति से हम मिलने गए और उनसे हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले कि हम अपने ऑरिक फील्ड को लेकर के जाएंगे। ठीक है, हम अपने ऑरिक फील्ड को लेकर के जाएंगे। वो अमुक व्यक्ति हमारे समक्ष आया, उसका भी अपना ऑरिक फील्ड है, हमारे ऑरिक फील्ड और उसकी ऑरिक फील्ड आपस में टच किया। यदि हमारी एनर्जी हाई है या हमारी एनर्जी लो है, अगर सामने वाला की एनर्जी अगर हाई है तो वो क्या करेगा, हमारी एनर्जी को अफेक्ट करेगा और सबसे पहले हमारे ऑरा के जो आउटर लेयर है उस लेयर को प्रभावित कर देगा। और जैसे उस लेयर को प्रभावित किया, आपके माइंड में क्या चलने लगेगा, क्या कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, उससे मिलकर के हमें बुरा लगा, जो भी भाव आपके मन में उत्पन्न होंगे। अभी जो भी करंट में ज्वाइन किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी पुनः ये मीटिंग अभी इंड हो जाएगी 40 मिनट खत्म होने के बाद, तो पुनः सेम लिंक से ही आप सभी लोग ज्वाइन करें। नेक्स्ट वेबिनार में हम थोड़ा सा ऑरा क्लीनिंग के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह मात्र 1 मिनट ही शेष रह गया है। तो विचारों को प्रभावित कर देगा। तो वही होता है कि हम अपने ऑरा को ध्यान नहीं देते, हम अपने ऑरा पर कंसंट्रेशन नहीं करते, परिणाम हमारा ऑरा जैसे जैसे कमजोर होगा वैसे वैसे हमारे ऑरा के जो 7 बॉडीज हैं, 7 लेयर हैं, वो एक एक लेयर डैमेज होने शुरू हो जाएंगे और संभवतः परिणाम हमें क्या मिलेगा, अंततः से हमारा चक्रा इफेक्ट होंगे और चक्रा के बाद हमारा फिजिकल बॉडी बीमार होगा। कोई भी डिजीज हमारे शरीर तक पहुंचने से पहले
उसे दो शक्तियों की भेदन करनी पड़ती है। पहला आपके ऑरिक बॉडी का भेदन करना पड़ेगा, दूसरा आपके चक्रों को भेदन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके बॉडी में डिजीज